आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। आज हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। किसी भी देश की आर्थिक संरचना को समझने के लिए हमें उसकी राष्ट्रीय आय की मात्रा एवं उसकी रचना अत्यंत महत्वपूर्ण सूचक होती है। मानव कल्याण अनेक तत्वों पर निर्भर होता है, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि एवं उपभोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। इसलिए अर्थशास्त्री इस बात में रुचि लेते हैं कि एक देश में निश्चित अवधि में कितनी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की अर्थ एवं परिभाषा की। राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश की राष्ट्रीय आय सामान्यतः वहाँ एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिनमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को भी घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को भी जोड़ दिया जाता है। इस संबंध में मार्शल ने अपनी परिभाषा दी है कि किसी देश का श्रम व पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं एवं सभी प्रकार की सेवाओं का एक विशुद्ध योग उत्पन्न करते हैं। यही किसी देश की वास्तविक विशुद्ध वार्षिक आय या आगम या राष्ट्रीय लाभांश होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय के महत्व की। राष्ट्रीय आय का महत्व निम्नलिखित है बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन। राष्ट्रीय आय संबंधी समांकों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रगति हो रही है उसमें कृषि के योगदान का अन्य क्षेत्रों के योगदान से तुलनात्मक अध्ययन राष्ट्रीय आय के समांकों के आधार पर किया जाता है। जिस देश में कृषि अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है वहां की राष्ट्रीय आय भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन एवं नीति निर्धारण। किसी अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटना आर्थिक नियोजन कहलाता है। इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास कुछ वर्ग विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर ना होकर देश की आवश्यकताओं के आधार पर होता है। इसी दृष्टि से नीति निर्धारण के कार्य में राष्ट्रीय आय के समांकों का बहुत उपयोग होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले तत्व। किसी देश के आर्थिक विकास की दर अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। इन तत्वों में कुछ तत्व आर्थिक होते हैं और कुछ अनार्थिक होते हैं। पूंजी निर्माण की दर आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रमुख निर्धारक तत्व माने जाते हैं। इसके लिए उत्पादन उपभोग बचत आदि से सही पर्याप्त एवं विश्वसनीय समांकों का होना आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास की कसौटी। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उसकी आर्थिक स्थिति का सूचक मानी जाती है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी वह आर्थिक दृष्टि से विकसित माने जाएंगे तथा जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है वह पिछड़े देशों की सूची में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है जिससे वह विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर का सूचक। राष्ट्रीय आय के अध्ययन की सहायता से देश के जीवन स्तर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। जिस देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर भी उतना ही ऊंचा होता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देना पड़ता है, अतः राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होने पर देश के नागरिकों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाता है और वह विकसित देशों की श्रेणी में भी आने लगते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक कल्याण का मापक। राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर भी कहा जाता है। यदि अन्य बातें समान रहें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर आर्थिक कल्याण भी बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इन आंकड़ों से सरकार को रोजगार विनियोग संबंधी मामले में आर्थिक नीति बनाने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक नियोजन में सहायक। राष्ट्रीय आय के आंकड़े
की मदद से ही नियोजन किया जाता है। नियोजन के लिए उत्पादन, बचत, उपभोग संबंधी आंकड़े राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में भी प्राप्त होते हैं। यह आंकड़े इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि पिछली प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं, अतः यह भविष्य में उचित नियोजन के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। अगर पिछली प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है तो जो गलतियां पहले हुई हैं वो आगे उनको सुधारा जा सकता है और देश के आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है आय के वितरण की जानकारी। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करके इस बात का भी पता लगाया जाता है कि राष्ट्रीय आय का भिन्न रूपों जैसे मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ में किस प्रकार वितरण हुआ है। अतः सरकार इन वितरण की जानकारी के आधार पर सामाजिक न्याय के लिए उचित नीतियाँ बना सकती है। नेक्स्ट है सरकारी नीतियों को समझने में सहायक। राष्ट्रीय आय तथा करों के पारस्परिक अनुपात तथा सार्वजनिक व्यय तथा राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अनुपात यह बताता है कि सरकार वस्तुओं एवं अन्य सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। सरकारी नीतियां ही राष्ट्रीय आय को आगे बढ़ाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय के आंकलन की कि राष्ट्रीय आय का आंकलन किस प्रकार किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े अर्थव्यवस्था के किस पक्ष की वेशना हेतु प्रयोग किए जाते हैं उसी के अनुरूप राष्ट्रीय आय मापन की रीतियों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न उद्योग क्षेत्रों को राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है तो उत्पादन रीति सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है। यदि नियोजक राष्ट्रीय आय के वितरण पक्ष को महत्व देते हैं, अर्थात वह जानना चाहते हैं कि उत्पादन के साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार है, तो इसके लिए आय प्राप्त रीति उपयुक्त मानी जाती है। यदि देश में व्यय के स्वरूप की जानकारी करनी है तो राष्ट्रीय आय की माप व्यय रीति के द्वारा की जाना संभव होती है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख विधियों का। इनमें मुख्य चार विधियाँ शामिल होती हैं। फर्स्ट है उत्पादन रीति, नेक्स्ट आय प्राप्त रीति, थर्ड व्यय रीति और फोर्थ उत्पादन आय सम्मिश्रित रीति। अब हम इन रीतियों की आगे हम विवेचना कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट उत्पादन रीति की। इस रीति के अंतर्गत वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है तथा उनका योग करके राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। प्रोफेसर सूप ने इस योग को अंतिम उत्पादन योग भी कहा है। इस रीति में क्योंकि कुल उत्पादन का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है इसीलिए इसको शुद्ध उत्पादन रीति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस रीति को उत्पादन संगणना रीति या वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह की रीति के आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्पादन रीति के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। पहला, देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा ज्ञात करके। नेक्स्ट, दूसरा, वर्ष विशेष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत ज्ञात करके। वस्तु विशेष की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर उस वस्तु विशेष के उत्पादन का द्रव्य मूल्य आता है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के द्रव्य मूल्य ज्ञात करके उनका योग करने पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन निकाल दिया जाता है। विदेशों की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सर्वोत्तम तरीका उत्पादन रीति होती है। भारतवर्ष में भी इसी प्रकार की रीति का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं आय प्राप्त रीति की। आय प्राप्त रीति को आय संगणना रीति भी कहते हैं। इस रीति में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों के भुगतान का योग किया जाता है। प्रोफेसर सुब इस योग को साधन भुगतान योग भी कहते हैं। इस रीति में क्योंकि वर्ष विशेष में आय के प्रवाह का प्रयोग भी किया जाता है इसीलिए इसे आय प्रवाह रीति भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय निकालने के लिए देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाता है जो कि आय उत्पादक उत्पत्ति करने में भी प्राप्त होती है किंतु वितरित नहीं की जाती है उसे भी जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार सार्वजनिक उद्योग तथा व्यापार से प्राप्त व्यवसाय कंपनियों के लाभांश सार्वजनिक संस्थाओं को संपत्ति से मिलने वाले आय भी जोड़ दी जाती है। इन सब का योग ही राष्ट्रीय आय कह होती है। नेक्स्ट है व्यय रीति। विभिन्न उत्पादन साधनों की आय उत्पादक इकाइयों का व्यय होता है तथा उत्पादन साधनों का व्यय उत्पादक इकाइयों को ही प्राप्त होता है। इसे आय या चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय कुल व्यय से ही के ही बराबर माना जाता है। अतः संपूर्ण व्यवस्था के कुल व्यय को ज्ञात करके भी राष्ट्रीय आय की गणना
की जा सकती है। रीति में कुल व्यय को ज्ञात करने के लिए बाजार कीमतों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस रीति में राष्ट्रीय आय का पता पहले बाजार कीमत पर लगाया जाता है, बाद में बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय की राशि में भी अप्रत्यक्ष कर घटाकर तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता जोड़कर साधन लागत पर राष्ट्रीय आय निकाल ली जाती है। नेक्स्ट है उत्पादन आय सम्मिश्रण रीति। विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी एक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आय ज्ञात करना एक कठिन कार्य होता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन रीति का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां उत्पादन ज्ञात करना कठिन होता है, जैसे सेवाओं को भौतिक इकाइयों से में बांटना एक कठिन कार्य होता है, इसीलिए इन सेवाओं का मूल्य ज्ञात करके उनकी आय मालूम की जाती है, जिसे उत्पादन आय सम्मिश्रण रीति कहते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर राव ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए ही इस विधि का प्रयोग किया है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में राष्ट्रीय आय के आंकलन की प्रमुख कठिनाइयों की, जिनमें प्रमुख हैं सेवाओं को सम्मिलित करने की समस्या। राष्ट्रीय आय में सेवाओं को सम्मिलित किया जाए या नहीं, यदि किया भी जाए तो कौन सी विधि को शामिल किया जाए, इस समस्या के निदान के रूप में कहा जाता है कि सेवाएं मुद्रा की में मापी जा सकती हैं, केवल उन्हें राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए। इस संदर्भ में एक प्रश्न यह है कि घरेलू सेवाएं जैसे भोजन बनाना, धुलाई करना आदि को तब तक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है जब तक कि उन्हें घर के सदस्य संपादित करते हैं, परंतु यही सेवाएं यदि वाणिज्यिक आधार पर की जाती हैं तो राष्ट्रीय आय में शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है अमुद्रीकृत क्षेत्र का उत्पादन। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है, यहाँ उपज के बड़े भाग के उपभोग हेतु मुद्रा को प्रयोग में नहीं लाया जाता है। उत्पादक या तो वस्तु का स्वयं उपभोग कर लेते हैं या एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली होती है और मुद्रा का प्रचलन नहीं हो पाता है। इसी दशा में उत्पादन की मांग एवं मूल्य का सही अनुमान लगाना एक कठिन कार्य होता है। यदि उस पर इस उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित न किया जाए तो आय काफ़ी कम जाती है, अतः यह अमुद्रीकृत क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य अंकित करके उसे मौद्रिक क्षेत्र के रूप में जोड़ना एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सेवाओं की समस्या। एक समस्या यह है कि प्रशासनिक सेवाओं में कितना हिस्सा उत्पादन बढ़ाने में सहायक होगा और कितना हिस्सा उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा, इस बात का निर्णय करना आंकलनकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग किसे कहे उत्पादन किया जाए आदि विषयों पर भी निर्णय लेना होता है और यह सभी कार्य आंकलनकर्ता पर निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव। भारत में राष्ट्रीय आय के लिए पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों की अनुपलब्धता है। इसका कारण यहाँ पर असंगठित क्षेत्रों के छोटे उत्पादक एवं व्यापारी पूंजी निवेश उत्पादन आदि के सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पटवारी या ग्राम सेवक करते हैं जो इस कार्य में निपुण नहीं होते हैं, अतः आंकड़ों का पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय असमानताएं। भारत में भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं हैं, अतः एक क्षेत्र में न्याय दर्शन के आधार पर एकत्रित सूचनाएं दूसरे देश में भी समान होंगी ऐसा आवश्यक नहीं माना जाता है, अतः आंकड़ों में व्यापक एवं संपूर्णता का होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है काले धन की समानता। भारत में एक समानांतर अर्थव्यवस्था के रूप में काले धन की एक प्रमुख समस्या अभी भी बनी हुई है। इसमें इस धन से संचालित उत्पादक क्रियाओं को छुपाया जाता है या कम करके मूल्यांकन किया जाता है, अतः राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगा पाना एक कठिन समस्या बनी हुई है। काला धन कितना है इसके भी अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं और उसका भी सही अनुमान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और एक राष्ट्रीय आय में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस तरह आज का ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।